चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बाज कान तक। अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। शक्करधरपुर राज्य का मंत्री दुष्कर्मा उस शाम पड़ोस के एक राजा से वापस लौट रहा था। वो सूरज डूबने जा रहा है, मुझे अंधेरा होने से पहले नगर में पहुंच जाना चाहिए, सड़क। यह सोचकर उसने घोड़ों को और तेजी से दौड़ा दिया। अभी वह नगर से काफी दूर था कि तभी जंगल की ओर से आंधी सी उठती दिखाई दी। अरे अचानक यह आंधी कैसी उठ रही है? लेकिन अभी वह कुछ समझ पाता कि तभी एक विशाल बाज उसकी ओर झपटा। वो यह क्या बला है? वो इतना भयंकर बाज, अरे मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो यह बाज मुझे मार देगा। च्यों, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह विशाल बाज मंत्री दुष्कर्मा को अपने पंजों में उठाकर ले चला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, यह तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। बाज दुष्कर्मा को एक पहाड़ी गुफा में ले गया, जहां एक तांत्रिक उस बाज की प्रतीक्षा कर रहा था। आह, मेरा बाज शिकार ले आया, अब मैं इसकी अपने देवता पर बलि चढ़ाऊंगा। मुझे छोड़ दो, आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा, धन दौलत, हीरे मोती, स्वर्ण आभूषण। मूर्ख हमें पृथ्वी की निष्कष्ट वस्तुओं का लालच देता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो बस एक शस्त्र मानव की बलि। एक शस्त्र मानव की बलि? हाँ, जब एक शस्त्र मानव की बलि पूरी होगी तो देवता मुझे अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा, फिर कोई मुझसे जीत नहीं सकेगा। पलक झपकते दुष्कर्मा ने अपनी मुक्ति का तरीका सोच लिया। यदि मैं आपके लिए एक शस्त्र मानव का प्रबंध कर दूं तो क्या आप मुझे मुक्त कर देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम ऐसा करोगे कैसे? कहीं तुम मुझे धोखा देकर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं चक्करधरपुर राज्य का मंत्री हूं, मेरे लिए प्रतिदिन कुछ लोगों को पकड़कर आपके पास भेजना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूं। तुम लोगों को पकड़कर जंगल में पहुंचाओगे, वहां से मेरा बाज उन लोगों को उठाकर ले आएगा। लेकिन याद रखना है, यदि तुमने कोई चालाकी की तो मेरा बाज तुम्हें तुम्हारे महल से भी उठा लाएगा। तांत्रिक ने उसे मुक्त कर दिया। उसके आदेश पर विशाल बाज उसे उसके रथ के पास पहुंचाकर वापस लौट गया। वो अब मुझे नगर में पहुंचकर बलि के लिए लोगों का प्रबंध करना होगा। कुछ देर बाद वह भी नगर की ओर चल दिया। उस रात दुष्कर्मा ने एक योजना बनाई और अगले ही दिन उसके कुछ विश्वस्त सैनिकों ने समीप के एक गांव पर आक्रमण कर दिया। जल्दी ही उन सैनिकों ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया। चलो इन्हें जल्दी से ले चलो, मंत्री जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ ही देर में सैनिक उन लोगों को लेकर जंगल के समीप खड़े मंत्री दुष्कर्मा के पास पहुंच गए। मंत्री जी, हम इन लोगों को बंदी बना लाए हैं। शाबाश, इन सबको उस पत्थर के समीप छोड़ दो, बाद इन्हें लेने के लिए अभी आता ही होगा। उन लोगों को पत्थर के पास छोड़कर दूर खड़े सैनिक और दुष्कर्मा बाज के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद दूर से उड़कर आता बाज दिखाई दिया। च्यों, समीप पहुंचते ही बाज ने झपट कर उन लोगों को पंजों में उठा लिया। आ नहीं, बचाओ। और फिर देखते देखते बाज उन लोगों को दूर ले गया। आज का काम पूरा हुआ सुरसेन, कल तुम सैनिकों के साथ जाकर लखीमपुर गांव से लोगों को पकड़कर लाओगे। जो आज्ञा मंत्री जी। फिर सब नगर को लौट आए। अगले दिन दुष्कर्मा के विश्वस्त सैनिकों ने लखीमपुर गांव पर आक्रमण करके कुछ लोगों को पकड़ लिया। बहुत देर हो गई मंत्री जी, हमारी प्रतीक्षा में परेशान हो रहे होंगे। तभी एक 8 वर्षीय लड़का वहां दौड़ता हुआ आया और मेरे बापू को छोड़ दो, मेरी मां नहीं है, मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरे बापू को छोड़ दो। हे लड़के, सामने से हट जा, नहीं तो तुझे घोड़ों के पाव से कुचल दूंगा। नहीं, मेरे बापू को छोड़ दो, मैं नहीं हटूंगा, नहीं। उस लड़के ने अपने बापू को नहीं छोड़ा तो आ बापू, सड़ाक बेटे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। नहीं बापू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, घोड़े मारकर जल्दी से इस लड़के को अलग करो, नहीं तो और देर हो जाएगी। तभी एक सैनिक ने लड़के पर कोड़ों की वर्षा कर दी। आ बापू, बापू आ। लड़के को बुरी तरह घायल कर सैनिक उसके बापू को ले गए और फिर इस तरह लोगों को पकड़कर बलि के लिए तांत्रिक के पास भेजना दुष्कर्मा का दैनिक कर्म बन गया। लोग राजा कनिष्क राज से शिकायत करने आते, लेकिन दुष्कर्मा उन्हें सैनिकों से पिटवा कर भगा देता। हमें महाराज से पूछना है कि हमारे लोगों को बंदी क्यों बनाया है, हमें महाराज के पास जाने दो। नहीं महाराज, किसी से नहीं मिलेंगे, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन लोग अपनी जिद पर अड़े हुए थे। नहीं, हम महाराज से मिले बिना नहीं जाएंगे, लगता ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। यह सोचते दुष्कर्मा ने अपने सेनानायक को आदेश दिया,
सूरसेन कत्ल कर दो इन सबको, एक भी बचकर न जाने पाए। दुष्कर्मा का आदेश पाते सैनिक लोगों पर टूट पड़े। भयभीत लोगों ने उल्टे पांव भागने की कोशिश की, लेकिन मैं मरा, बचाओ मुझे, छोड़ दो। कुछ ही देर में महल का प्रांगण युद्ध स्थल बन चुका था। मर गया। अनेक लोग भागने में सफल हुए थे और अनेक बंदी बना लिए गए थे। इन सबको काल कोठरी में डाल दो, कल सुबह इन सबको जंगल में छोड़ आना। कुछ दिनों तक मंत्री दुष्कर्मा का कुकृत्य चलता रहा। उसने राजा कनिष्क राज से इस कुकृत्य को छिपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन एक दिन राजा कनिष्क राज के सामने यह बात पहुंची गई। महाराज, पूछिए अपने मंत्री जी से, गरीब निर्दोष लोगों को क्यों पकड़ा गया है? उन्हें किस कारागार में रखा गया है? कहाँ हैं वे लोग? उस आदमी की बातों से हैरान राजा कनिष्क राज ने मंत्री दुष्कर्मा से पूछा, दुष्कर्मा, सैकड़ों लोगों को किस लिए पकड़ा गया है? महाराज, यह आदमी झूठ बोल रहा है। महाराज, झूठ मैं नहीं, मंत्री जी बोल रहे हैं। तभी कनिष्क राज के मस्तिष्क में कुछ रौंद गया और मन ही मन सच्चाई जानने का निर्णय कर बोले, सच्चाई क्या है यह जानने के लिए हम सवे राज्य का दौरा करेंगे, हमारे दौरे का प्रबंध किया जाए। अगले दिन रथ पर सवार हो कनिष्क राज राज्य में भ्रमण के लिए निकले। वो कहीं महाराज को सच्चाई का पता नहीं चल जाए, मन ही मन दुष्कर्मा बहुत आशंकित था। लेकिन उसने पहले ही ऐसा प्रबंध कर दिया था कि कोई फरियादी राजा के समीप नहीं पहुंच सके। उसके विश्वस्त सैनिक राजा के चारों ओर फैले हुए थे। मुझे महाराज के पास जाने दो, हटो पीछे। लोगों की उतावली भीड़ राजा के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो लोगों को अधिक देर नहीं रोका जा सकता, मुझे कुछ दूसरा उपाय करना ही पड़ेगा, पीछे हटो। और पलक झपकते ही दुष्कर्मा ने उपाय सोच लिया। महाराज के रहते मेरा सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है, फिर क्यों न महाराज को उस बाज का शिकार बना दूं? मस्तिष्क में यह विचार आते ही उसने राजा कनिष्क राज से कहा, महाराज, सुना कि जंगल के पास कोई भयंकर बाज लोगों को उठाकर ले जाता है। बाज लोगों को उठाकर ले जाता है, लेकिन यह बात पहले हमको क्यों नहीं बताई गई? महाराज, कुछ दिन पहले ही मुझे इस बात का पता चला है। मैंने कुछ सैनिकों को वहां भेजा था, लेकिन वह बाज को नहीं मार सके। सैनिक बाज को नहीं मार सके तो हम उस बाज को मारेंगे। हम इसी समय जंगल की ओर जाएंगे। राजा के आदेश पर सारथी ने रथ जंगल की ओर दौड़ा दिया। कुछ ही देर में रथ जंगल के बीच पहुंच गया और तभी विशाल बाज ने आक्रमण कर दिया। च्यों! दुष्कर्मा के संकेत पर सैनिकों ने बाज को मारने का नाटक किया, लेकिन उनके भाले बाज के पास से गुजर गए। कनिष्क राज ने बाज को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाज का बाल भी बांका नहीं कर सके। कुछ देर के संघर्ष के बाद बाज ने राजा को पंजों में उठा लिया और सबके देखते देखते बाज राजा को दूर ले गया। बाज की आंखों से ओझल होते ही दुष्कर्मा अपनी सफलता पर मुस्कुराया। साथियों, बाज ने आज हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर कर दिया है। बस अब हमें रानी और उनकी नन्ही राजकुमारी को रास्ते से हटाना है। सब वापस नगर की ओर लौट पड़े। महल में पहुंचते दुष्कर्मा ने रानी ज्योत्सना को बाज के संघर्ष की कहानी सुनाते हुए बताया, महारानी जी, मैंने और सैनिकों ने उस बाज को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाज महाराज को उठाकर ले गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। महारानी जी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इन सैनिकों से पूछ सकते हैं। और फिर रानी ज्योत्सना के कोई प्रश्न करने से पहले सैनिकों ने एक स्वर में स्वीकार किया, जी हाँ महारानी जी, वह भयंकर बाज हम सबके सामने महाराज को उठाकर ले गया और हम कुछ न कर सके। यह सुनते ही रानी बेहोश होती चली गई। तभी वो रानी जी बेहोश हो गई। मंत्री जी, राज वैद्य जी को बुलवाइए। सैनिकों, तुम राज वैद्य को बुला कर लाओ। राज वैद्य की चिकित्सा से रानी को जल्दी होश आ गया। रानी जी, इस विपत्ति के समय आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब आप पर ही इस राज्य का उत्तरदायित्व है। हम राजगद्दी के उत्तरदायित्व को निभाने की कोशिश करेंगे राज वैद्य जी। रानी ज्योत्सना ने बहुत कुशलता से राजकाज संभाल लिया था, लेकिन दुष्कर्मा उसे भी रास्ते से हटा देने के षड्यंत्र में लगा हुआ था। साथियों, हमें जल्दी से जल्दी रानी को भी बाज का शिकार बनाना होगा। उसके लिए मैं कोई उचित समय देखकर रानी को जंगल की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा। उचित समय के लिए हमें देख प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी मंत्री जी। 3 दिन बाद पूर्णिमा के दिन रानी जी देवी की महापूजा के लिए मंदिर जाएगी। अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था। देवी के मंदिर जाने के लिए रानी को नगर के बाहर रथ में जाना पड़ेगा, और जब रथ नगर के बाहर जाएगा तो सारथी जंगल की ओर रथ को दौड़ा देगा।
लोग समझेंगे कि रथ के घोड़े बेकाबू हो गए हैं। पलक झपकते रथ जंगल के पास गुजरेगा और बाज रानी को अपना शिकार बनाने में पल भर की देर नहीं करेगा। और फिर हम इस राज्य के राजा होंगे और तुम सब मेरे मंत्री और सेनापति। हा। 3 दिन बाद पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा था। हर कोई देवी की महापूजा की तैयारी कर रहा था। लोगों की भारी भीड़ नगर के बाहर बने देवी के मंदिर की ओर बढ़ी जा रही थी। बोलो महासेवता देवी की जय, महासवेता देवी की जय। निश्चित समय पर ज्योत्सना रथ में बैठकर महल से बाहर निकली। महारानी की जय। नगर की सड़कों से गुजरकर जैसे ही रानी का रथ नगर से बाहर पहुंचा था कि दुष्कर्मा ने सारथी को संकेत की दिया। संकेत पाते सारथी ने लंबी सी कील चुपके से एक घोड़े की पीठ में घुसाई तो वह विद्युत गति से दौड़ पड़ा। लोगों को अपने साथियों के नीचे रोनता रथ आगे ही आगे बढ़ता चला गया। बचाओ आ मंदिर की ओर जाते रथ को सारथी ने अचानक जंगल की ओर मोड़ दिया। ओ रथ रोको सारथी, घोड़े बेताशा रथ को दौड़ाते लिए जा रहे थे। सारथी रथ रोको, ओ जंगल मैं क्या करूं, घोड़े रुक ही नहीं रहे। लेकिन रथ नहीं रुका और जंगल के बीच पहुंच गया। तभी विशाल बाज अपने शिकार को आया देखकर तेजी से रथ की ओर बढ़ा। वो बाज कहीं है, वही बाज तो नहीं जो महाराज को उठाकर ले गया था। पलक झपकते ही बाज ने रथ को अपने पंजों में पकड़कर उठा लिया। मंत्री जी हमें बचाओ बचाओ। सभी सैनिक और मंत्री दुष्कर्मा बाज को रथ ले जाते हुए निश्चल खड़े देख रहे थे कि तभी एक सैनिक ने घोड़ा दौड़ा दिया। नहीं, मैं रानी को बाज का शिकार नहीं बनने दूंगा। उसे देखते ही दुष्कर्मा चौंक पड़ा। अरे यह सैनिक रथ की ओर क्यों दौड़ कर गया है? मंत्री जी यह हमारा साथी नहीं, महाराज का विश्वास पात्र सैनिक है। ओ फिर तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह सब काम बिगाड़ देगा। सुरसेन इसको रोको। लेकिन अभी सुरसेन और दूसरे सैनिक उस सैनिक के पास पहुंच पाते कि वह बाज की ओर पूरी शक्ति से भाला फेंक चुका था। भाला बाज के पाँव में लगा और च्यों खच, रथ उसकी पकड़ से छूट गया। आ बचाओ, रथ के जमीन पर गिरते ही बाज फिर झपटा। आ नहीं। और फिर उस सैनिक के देखते देखते बाज रानी को पंजों में उठाकर दूर उड़ गया। वो मैं निहत्था रानी को कैसे बचाऊं, बचाओ। तभी दुष्कर्मा ने रथ के पास पहुंचकर सुरसेन को आदेश दिया। रानी को तो बाज ले गया सुरसेन, अब इस राजकुमारी और दासियों को भी मौत के घाट उतार दो, अब हम इस राज्य के राजा बनेंगे। हा। ओ तो यह सब दुष्कर्मा का कूट चक्कर है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह सोचते ही वह सैनिक तेजी से आगे बढ़ा और एक सैनिक की तलवार झपट कर सुरसेन से भिड़ गया। देशद्रोही गद्दार कुत्ते, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सन खना। दूसरे सैनिक या दुष्कर्मा उस सैनिक पर झपटते कि उसने घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते राजकुमारी को उठा कर ले गया। दुष्कर्मा जोरों से चीख उठा, अरे दौड़ो उसका पीछा करो, वह राजकुमारी को लेकर भाग रहा, दोनों को मार डालो। सैनिकों ने बेताशा घोड़े दौड़ाकर उसका पीछा किया लेकिन कोई उसे पकड़ पाने में सफल न हो पाया। बाज द्वारा रानी को उठाकर ले जाने के बाद दुष्कर्मा के राजा बनने में कोई रुकावट शेष नहीं रह गई थी। कुछ दिनों बाद दुष्कर्मा बहुत धूमधाम से राजगद्दी पर बैठा। राजा दुष्कर्मा की जय हो। राजा बन जाने के बाद भी दुष्कर्मा के सैनिक उस भगोड़े सैनिक को जगह जगह खोजते रहे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज हमने पूरे राज्य का चप्पा चप्पा खोज लिया लेकिन उस सैनिक और राजकुमारी का कहीं कुछ पता नहीं चला। उधर दुष्कर्मा तांत्रिक के पास बलि के लिए लोगों को पहुंचाता रहा। इस तरह अनेक वर्ष बीत गए। दुष्कर्मा के अत्याचार बढ़ते गए, उनके सैनिक गांवों में जाकर लूटपाट लूटमार करते रहे। एक दिन सेनानायक मृत्युंजय के नेतृत्व में सैनिकों की एक टुकड़ी ने बिकमपुर गांव पर हमला किया। भागो भागो सैनिक आ गए, भागो जान बचाओ, पकड़ो पकड़ो, कोई भागने न पाए। कुछ ही देर में सैनिकों ने अनेक लोगों को पकड़ लिया। हमें छोड़ दो, आप मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, चलो सबको घसीटते हुए ले चलो। लेकिन अभी मृत्युंजय उन लोगों को लेकर एक कदम भी आगे बढ़ता कि तभी विद्युत गति से गांव की एक लड़की पूर्णिमा आगे बढ़ी। रुक जाओ और इन सब लोगों को छोड़ दो, वो सुना है जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं, यह क्यों भूलते हो सैनिक कि चींटी हाथी को भी मार देती है। ओ आज हम भी चींटी का यह कमाल देखेंगे। और यह कहते हुए मृत्युंजय ने अपनी कमर से लटके कोड़े को खोला और पूर्णिमा पर प्रहार किया लेकिन उसने कोड़े को कसकर पकड़ लिया। तभी पूर्णिमा ने एक जोर का झटका दिया और आ
नीचे गिरते ही मृत्युंजय तलवार लेकर पूर्णिमा की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन तब तक वह भी एक सैनिक की तलवार झपट चुकी थी। तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है, मुझे मारने से पहले तुम अपने जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करो। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए खन, लेकिन कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद पूर्णिमा ने एक भरपूर वार किया तो मृत्युंजय की तलवार टूटकर दूर जा गिरी। हो मेरी तलवार, अब यह मुझे अवश्य मार देगी। तुम सोच रहे हो कि निशस्त्र देखकर मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। यह दुष्कर्म तो तुम और तुम्हारा राजा दुष्कर्मा ही कर सकता है। तुम कुर और अत्याचारी का साथ दे रहे हो। अगर कोई तुम्हारे माता पिता को पकड़कर ले जाए और मौत के घाट उतार दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसी पल मृत्युंजय के मस्तिष्क में विद्युत करौंद गई। उसकी आंखों के सामने अनेक वर्षों पहले का दृश्य उभर आया। मेरे बापू को छोड़ दो, बापू। हाँ, अगले पल ही, अपने इन कुत्तों को आगे बढ़ने से रोक लो, नहीं तो मेरी तलवार तुम्हारे दो टुकड़े कर देगी। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे हट जाओ। सैनिक पीछे हट गए। पूर्णिमा की बातों ने उसके सीने में सोए हुए ज्वालामुखी को सुलगा दिया था और एकाएक वह कह उठा था, तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। मैं अपराधी हूं क्योंकि मैंने कुरु और अत्याचारी राजा का साथ दिया है, लेकिन अब मैं किसी बेगुनाह के रक्त से अपने हाथ नहीं रंगूंगा, कभी नहीं। तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। और पूर्णिमा ने उसकी गर्दन से तलवार हटा ली। तभी मृत्युंजय ने आदेश दिया, इस गांव से पकड़े गए सभी लोगों को छोड़ दिया जाए, हम किसी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। लेकिन सरदार, जब महाराज को हमारे खाली हाथ लौटने का पता चलेगा तो वह हमारी गर्दनें न कटवा देंगे। महाराज की तलवार का वार मैं अपनी गर्दन पर सहन करूंगा, तुम इन सब लोगों को मुक्त कर दो। और फिर कोई प्रतिरोध किए बिना सभी लोगों को छोड़ दिया गया। खाली हाथ लौटे मृत्युंजय को देखते ही दुष्कर्मा क्रोध से उबल पड़ा था। यह क्या मृत्युंजय, तुम खाली हाथ लौटाए, एक भी आदमी पकड़कर नहीं लाए। गरीब और बेगुनाह लोगों को पकड़कर मौत के मुंह में झोंक देना क्रूरता और अन्याय है, और अब मैं यह गुनाह नहीं कर सकता। मृत्युंजय, जो तुम कह रहे हो वह विद्रोह है, और ऐसे विद्रोही के लिए हमारे पास एक ही दंड है और वह है प्राण दंड। जानता हूं महाराज, लेकिन अब मैं लोगों को बंदी नहीं बना सकता। तभी दुष्कर्मा ने गुस्से से उबलते हुए कहा, दुरापत, मृत्युंजय को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दो, कल सुबह हम इसे प्राण दंड देंगे, नहीं कोई मुझे बंदी नहीं बना सकता। लेकिन दुष्कर्मा के संकेत पर दुरापत और दूसरे सैनिकों ने उसे घेर लिया, नहीं तुम बचकर नहीं जा सकते, लेकिन तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। सभी सैनिक मृत्युंजय पर टूट पड़ते कि तभी वह उछल कर उनके घेरे को पार कर गया। सैनिक फिर तेजी से उसकी ओर दौड़े, लेकिन वह फिर उनके हाथों से दूर निकल गया और फिर वह उछला तो सीधे अपने घोड़े पर पहुंच गया। हिन हिन पलक झपकते उसने घोड़ा दौड़ा दिया और कुछ देर में सैनिकों से बहुत दूर निकल गया। वो वह भाग रहा है। बहुत दूर तक पीछा करने के बाद भी सैनिक उसे रोक तो नहीं सके, लेकिन उसे घायल अवश्य कर दिया। घायल मृत्युंजय सैनिकों की आंखों से ओझल हो गया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उसी शाम खेतों की ओर जाती हुई पूर्णिमा एक पेड़ के पास लोगों की भीड़ देखकर चौंक पड़ी। उसने पास जाकर देखा, अरे यह तो वही सैनिक है जिससे सुबह मेरी लड़ाई हुई थी, लेकिन यह बेहोश क्यों पड़ा है? यह तो दुष्ट राजा का सैनिक है, इसे मार दो। हाँ हाँ, सांप को जीत नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, इसे कोई नहीं मारेगा, यह घायल और बेहोश है, और किसी सांप को मारना कोई बहादुरी नहीं, मारो। सभी लोगों के हाथ ऊपर ही रुक गए। पूर्णिमा, तुम हमें मत रोको, हम इस शत्रु को जीत नहीं छोड़ेंगे। अवश्य ही यह दुष्ट राजा का सैनिक हमारा शत्रु है, लेकिन इस समय यह सवे मौत से संघर्ष कर रहा है, हमें पहले इसे मौत के हाथों से बचाना चाहिए। किसी ने विरोध नहीं किया। लोगों की सहायता से पूर्णिमा मृत्युंजय को उठवाकर गांव में ले गई। वैद्य की चिकित्सा से शीघ्र उसे होश आ गया। भाइयों, मैंने दुष्ट राजा का साथ छोड़ दिया है, अब मैं उस दुष्ट राजा के सैनिकों से आप सबकी रक्षा करूंगा। नहीं, यह सब सच नहीं, तुम राजा के गुप्तचर हो और हमें धोखे से मरवा दोगे। मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो, देखो दुष्ट राजा ने मुझे क्या पुरस्कार दिया है। यह भी तुम्हारा कोई नाटक हो सकता है, तुम यहां से चले जाओ और हमें हमारे भाग्य के सारे छोड़ दो। हाँ हाँ, तुम चले जाओ।
मृत्युंजय ने वहां खड़े लोगों की ओर देखा, लेकिन किसी की आंखों में उसे आशा की कोई झलक नजर नहीं आई। वह निराश होकर एक ओर को चल दिया। ठहरो, रुक जाओ, तुम इसी गांव में रहोगे, लेकिन तुम्हें अपनी बात का विश्वास दिलाना होगा। मैं तुम्हें जल्दी ही यह विश्वास दिला दूंगा कि मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, हम कुछ दिन प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन तुम असफल रहे तो तुम्हें तुरंत गांव छोड़कर जाना होगा। और फिर मृत्युंजय उस गांव में ठहर गया, लेकिन अपनी बात का प्रमाण देने के लिए मृत्युंजय को अधिक दिन प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। एक शाम, बंदी बना लो सबको, कोई भागने न पाए। अभी सैनिक कुछ लोगों को पकड़ पाते कि तभी मृत्युंजय ने आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया। रुक जाओ, मैं किसी को पकड़कर नहीं ले जाने दूंगा। अच्छा हुआ तुम भी यहीं मिल गए, अब तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अगले पल ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। मारो, हा हाय खचाक। तभी अचानक पूर्णिमा वहां पहुंच गई। अरे यह क्या, मृत्युंजय अकेला ही सैनिकों से लड़ रहा है। वो अगर इसकी सहायता न की गई तो सैनिक उसे मार डालेंगे। एकाएक पूर्णिमा जोर से चीख उठी, गांव वालों, तुम सब अपने घरों में छिपकर क्यों बैठे हो? बाहर आओ और मृत्युंजय की सहायता करो, वह हम सबके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है। पूर्णिमा की पुकार ने लोगों पर जादू सा कर दिया और सब लोग लाठी भाले लेकर सैनिकों पर टूट पड़े। एक भी बचकर न भागने पाए। मारो, लोगों ने अनेक सैनिकों को मार डाला। कुछ अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। गांव वालों ने मृत्युंजय को अपने हाथों पर उठा लिया। मृत्युंजय की जय। मृत्युंजय ने गांव के नवयुवकों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में आसपास के गांव के लोग भी उनके साथ मिलते चले गए। उधर अपने गुप्तचरों से सूचना मिलने पर दुष्कर्मा आक्रमण की बात सोच रहा था, और इधर मृत्युंजय किसी दूसरी ही योजना में खोया हुआ था। साथियों, मैं जानता हूं कि दुष्कर्मा लोगों को पकड़कर एक भयंकर बाज को सौंप देता है। वह बाज लोगों को कहां ले जाता है यह नहीं मालूम। क्यों न हम सब मिलकर उस बाज को मार डाले? हाँ हाँ, हम उस बाज को मार देंगे। लेकिन उस बाज को मारना इतना सरल नहीं, वह अद्भुत बाज है, उसे मारा नहीं जा सकता। और फिर कुछ सोचकर मृत्युंजय ने कहा, उस बाज को अवश्य कोई आदमी संचालित करता होगा। यदि हम उसका पता कर ले तो फिर बाज पर काबू पाना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसका कैसे पता चलेगा? मैं जंगल के पास उस बाज की प्रतीक्षा करूंगा, वह बाज मुझे पकड़ कर ले जाएगा। तुम लोग बाज का पीछा करके मेरे पास पहुंच जाना, फिर हम सब उस व्यक्ति को मार देंगे। योजना के अनुसार अगले दिन मृत्युंजय जंगल के समीप पहुंच गया। सभी लोग झाड़ियों के पीछे छिप कर बैठ गए। निश्चित समय पर बाज आया और मृत्युंजय को उठाकर ले चला। बाज मृत्युंजय को ले जा रहा है, हाँ हमें उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। और बाज को देखते सभी उसी दिशा में दौड़ पड़े। कुछ ही देर में बाज उन लोगों की आंखों से ओझल हो गया। अरे, बाज तो आंखों से ओझल हो गया, ओ अब क्या करे, उसे कहाँ ढूंढे? पता नहीं बाज मृत्युंजय को कहाँ ले गया। लोग कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद निराश होकर लौट आए। बाज मृत्युंजय को तांत्रिक की गुफा में ले पहुंचा। हाँ हाँ, मेरा बाज बलि के लिए शिकार ले आया, यह मेरी अंतिम बलि है। इसके बाद मेरे पास इतनी शक्ति होगी कि मैं नाग राजा को भी मार दूंगा। इधर बाज मृत्युंजय को उठाकर ले गया था और उधर दुष्कर्मा ने भीकमपुर पर आक्रमण कर दिया। पूर्णिमा रणचंडी बनकर सैनिकों पर टूट पड़ी। सैनिकों को मारती पूर्णिमा दुष्कर्मा के समीप पहुंच गई। दुष्कर्मा, अब तेरे दुष्कर्मों का अंत होने वाला है। लेकिन बीच में द्रौपद उससे भिड़ गया। गांव के लोगों ने सैनिकों का कड़ा मुकाबला किया। पूर्णिमा भी बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन दुष्कर्मा की विशाल सेना को पराजित करना संभव नहीं था। अतः बहुत से लोगों के साथ सेनापति ने पूर्णिमा को भी बंदी बना लिया। चलो महाराज जी, तुम्हारा फैसला करेंगे। आ नहीं, वो बहुत खूबसूरत है, इसे तो मेरे महल में होना चाहिए। द्रौपद, इसे मेरे महल में ले आओ, इसका फैसला हम वही करेंगे। द्रौपद ने पूर्णिमा को पकड़ महल में पहुंचा दिया। और जब महल में दुष्कर्मा ने पूर्णिमा से विवाह करने के लिए कहा तो उसने स्पष्ट मना कर दिया। इस पर दुष्कर्मा आग बबूला हो उठा। नादान लड़की, तू नहीं जानती कि विवाह से इनकार कर देने पर हम तुम्हें कितनी भयंकर सजा देंगे। तुम कितने भी भयंकर सजा क्यों न दो, मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मैं भी देखता हूं तू कब तक इनकार करती है। मैं तुझे आज ही भयंकर बाज का शिकार बना दूंगा। ओ बाज का शिकार।
इस पर भी पूर्णिमा ने उससे विवाह करना स्वीकार नहीं किया। क्रोध से पागल हुआ दुष्कर्मा उसे तांत्रिक के पास गुफा में ले गया। वहां पर मृत्युंजय को बंदी के रूप में देखकर पूर्णिमा चौंक पड़ी। वो मृत्युंजय यहां पर है? अरे दुष्कर्मा ने पूर्णिमा को भी पकड़ लिया है। मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन यह इनकार कर रही है। आप इस लड़की से मेरा विवाह करा दे, यदि इनकार करे तो बाज का शिकार बना दे। राजन, कल सुबह मुझे अंतिम बलि देनी है, उस बलि के बाद मैं तुम्हारा इस लड़की से विवाह करा दूंगा। उस दिन दुष्कर्मा पूर्णिमा को साथ लेकर नगर को लौट गया। उस रात गुफा में कैद मृत्युंजय अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, और उधर नागलोक में नागराजा नीलमणि गुप्तचरों से एक सूचना सुनकर परेशान हो उठा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम उस दुष्ट तांत्रिक नागनाथ को अंतिम बलि नहीं देने देंगे, हम उसका सर्वनाश कर देंगे, हम इसी समय पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करेंगे। नागराजा नीलमणि ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। नागराज नीलमणि ने गुफा में पहुंचकर मृत्युंजय को तांत्रिक नागनाथ की सारी कहानी सुनाते हुए कहा, यह नागनाथ एक शास्त्र बलि देकर ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता है जो मेरी अद्भुत मणि के प्रभाव को नष्ट कर सके, और फिर यह मुझे मारकर नागलोक का राजा बन जाए। लेकिन मैं इस दुष्ट को अंतिम बलि पूरी नहीं करने दूंगा। युवक, तुम यह मणि ले लो, इस मणि की सहायता से तुम कोई भी रूप धारण कर सकते हो। मृत्युंजय को उसकी बातों पर कुछ संदेह हुआ तो उसने कहा, आप स्वयं मणि की सहायता से नागनाथ को क्यों नहीं मार देते? यही तो मेरी व्यवस्था है, नागों के देवता वासुकी के वरदान के कारण मैं स्वयं अपने स्वार्थ के लिए इस मणि का उपयोग नहीं कर सकता। तुम मानव हो, तुम इसका उपयोग कर सकते हो। मृत्युंजय ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। नागराज नीलमणि से वह अद्भुत मणि लेकर मृत्युंजय ने कहा, हे नागों की अद्भुत मणि, मुझे नाग के रूप में परिवर्तित करके इस बंधन से मुक्त कर दे। अगले पल वह नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। कैद से मुक्त हो मणि की सहायता से मृत्युंजय फिर अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गया। अब तुम जल्दी से जाकर उस दुष्ट का अंत कर दो। मृत्युंजय तांत्रिक के पास पहुंचा तो वह उसे देखते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे यह बाहर कैसे निकल आया? मुझे देखकर हैरान हो रहे हो नागनाथ, लेकिन अब तुम अधिक समय तक हैरान नहीं रहोगे। अच्छा तो तुम मेरी वास्तविकता जान चुके हो, लेकिन तुम अभी मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले तुम अपने जीवन के अंतिम पल गिनना शुरू कर दो। यह कहते हुए मृत्युंजय उस पर झपटा ही था कि वह भयंकर नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। फुस फुस, दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा था, लेकिन कोई किसी को पराजित नहीं कर पा रहा था। तभी, ओ मेरी तलवार, अब तुम्हें मेरे विष से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अभी नागनाथ की विषैली फुसकार मृत्युंजय को जला पाती कि उसने अद्भुत मणि से कहा, हे नागों के देवता वासुकी की अद्भुत मणि, मुझे तिरुमुखा नाग बनाकर मेरे शरीर में कालकूट का विष भर दे। इतना कहते अगले पल वह तिरुमुखा नाग के रूप में परिवर्तित हो चुका था। वो तिरुमुखा नाग, लेकिन यह युवक तिरुमुखा नाग के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया? मुझे यहां से भागकर अपने प्राण बचाने चाहिए। और वह भाग निकला, लेकिन अभी नागनाथ वहां से कहीं दूर भाग पाता कि तिरुमुखा नाग बने मृत्युंजय ने उसे अपनी पुस्कारों से जला दिया। आप बचाओ बचाओ, नागनाथ के मरते ही उसका जादुई विशाल बाज भी नष्ट हो गया। नागनाथ को मारकर मृत्युंजय शीघ्र ही दुष्कर्मा के महल में पहुंचा। तुम तांत्रिक की कैद से कैसे निकल आए? तांत्रिक को मारकर बेचारा अपनी अंतिम बलि पूरी नहीं कर सका और मेरे हाथों मारा गया, और अब तुम्हारी बारी है। तुम तांत्रिक को कभी नहीं मार सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया भी होगा तो मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे। यह कहते दुष्कर्मा ने मृत्युंजय पर प्रहार कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, कोई किसी से हार मानने वाला नहीं था। दुष्कर्मा के बहुत से सैनिक उसकी सहायता के लिए आ गए थे, मारो पकड़ो, वो इतने सैनिकों से अकेले लड़ना संभव नहीं होगा। मुझे एक बार फिर त्रिमुखा नाग के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। और फिर अगले पल मृत्युंजय अद्भुत मणि की सहायता से त्रिमुखा नाग के रूप में परिवर्तित होकर कैद आ रहा था। फुस, आ बचाओ, उसने दुष्कर्मा को जलाकर मार डाला। दुष्कर्मा के जलकर मरते मृत्युंजय फिर अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गया। चक्करधरपुर के लोगों को जब दुष्कर्मा की मृत्यु का पता चला
तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मृत्युंजय को अपना राजा घोषित कर दिया। राजा मृत्युंजय की जय हो, हमारा राजा मृत्युंजय। लेकिन जब मृत्युंजय को राजगद्दी पर बैठाया जा रहा था, तभी पूर्णिमा के पिता ने प्रवेश किया। ठहरो, मृत्युंजय को राजगद्दी पर नहीं बैठाया जा सकता, इस राजगद्दी की उत्तराधिकारी पूर्णिमा है। पूर्णिमा और राजगद्दी की उत्तराधिकारी? तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, यह पूर्णिमा मेरी बेटी नहीं बल्कि महाराज कनिष्क राज की वह राजकुमारी है, जिसे दुष्कर्मा के हाथों से बचाने के लिए एक सैनिक लेकर भाग गया था। लेकिन तुम्हें वह सैनिक कहाँ मिला और कैसे तुमने नन्ही राजकुमारी को उससे प्राप्त किया? मुझे उस सैनिक को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह सैनिक मैं ही था। मैंने ही इस नन्ही राजकुमारी को पाला है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इसके गले का यह स्वर्ण हार देख ले। पूर्णिमा के गले का हार देखते राजगुरु ने राजकुमारी को पहचान लिया। सचमुच यह नन्ही राजकुमारी है। राजगुरु के इतना कहते लोगों ने पूर्णिमा की जय घोष की और उसे राजगद्दी पर बैठाने के लिए कहा। तभी, यह ठीक है कि राजगद्दी पर बैठने का अधिकार मेरा है, लेकिन मृत्युंजय के साहस और शक्ति को नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए मैं स्वयं यह राजगद्दी मृत्युंजय को सौंप रही हूँ। और फिर मृत्युंजय को ही राजा बनाया गया। कुछ दिनों बाद मृत्युंजय और पूर्णिमा का विवाह हो गया। महाराज मृत्युंजय की जय, राजकुमारी पूर्णिमा की जय। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी, जरूर लाइक सब्सक्राइब।